वेलकम बैक टू माय चैनल नाउ शेजल, और आप देख रहे हैं शेजल यूट्यूब चैनल शेजल कुकिंग स्टूडियो। तो आज हम बना रहे हैं पॉपकॉर्न चिकन, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यम्मी। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। और जो है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, और थम्स अप देना मत भूलें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन एक पाव जो है 1 ग्राम्स चिकन लिया है, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स की तरह कट कर लिया है। और अब इसके अंदर हम डालते हैं कुछ स्पाइसेस, ठीक है। पेपरिका पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। काली मिर्च जो है, ब्लैक पेपर ली है मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून, और रेड चिली पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। सॉल्ट लिया है टू टेस्ट, क्यूमिन लिए हैं थोड़े से पिंच, जिंजर का पेस्ट, गार्लिक का पेस्ट, थोड़े से ऑरिगैनोज और लेमन, तकरीबन 1 टीस्पून। और फिर अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 एग, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। गाइस देखिए, मैंने कर लिया है। गाइस बहुत बहुत सॉरी है, जो पीछे शोर हो रहा है ना, हमारे नेबर्स में कुछ काम हो रहा है, तो इसलिए ये शोर है। इसलिए मैं थोड़ा ज़ोर से बोल रही हूँ ताकि आपको आवाज़ आए। ये देखिए, मैंने सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अब जो हम फुल टच देने के लिए मसाला ऐड कर रहे हैं वो है तंदूरी मसाला 1 टीस्पून, ठीक है। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे यहाँ पे हम ऐड करेंगे सोया सॉस, ये मैंने 1/2 टीस्पून से कम लिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको अगेन अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। गाइस हमें स्पाइसी चाहिए, थी इसमें मैंने थोड़े मसालों की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। आपको अगर इतनी स्पाइसी नहीं पसंद तो आप जो है कम भी कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी, ठीक है। और ये डिनर के लिए बेस्ट है आइटम है। आप इसको डिनर में बनाएं या इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आती है, ठीक है। और अब मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। देखिए गाइस, इसको जो है सारा मसाला अच्छी तरह से लग चुका है, ये देखिए, क्योंकि थोड़ा सा रेनी वेदर टाइप हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा नहीं। और अब हमने इसको जो है मैरिनेट करने के लिए रख देना है, और इसके ऊपर आपको जो है प्लेट रख देनी है, और इसको करना है मैरिनेट। आपने 30 मिनट्स तक इसको मैरिनेट करना है, और सारे जो इसके अंदर मसाले होंगे वो अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाएंगे, और फिर आपने इसके उसको 30 मिनट्स तक मैरिनेट करना है। ये देखिए गाइस, मेरी चिकन जो है मैरिनेट हो गई है। मैं हम इसी प्लेट उतार कर देखेंगे, इसको मैंने मिक्स कर लिया है, मैंने उसको थोड़ी देर पहले निकाल कर मिक्स कर लिया था, ठीक है। इसका कलर इसलिए ऐसा है क्योंकि जो है बिल्कुल अच्छी तरह से सारे मसाले जो है लग गए हैं इसके ऊपर। और अभी मैंने जो है 3 टेबल स्पून ऑफ मैदा और 3 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर लिया है, और जो है इसके अंदर अब हमें जो ऐड करना है वो है सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ा सा, ये इतना सा बिल्कुल अपने सॉल्ट ऐड कर देना है, ठीक है। और इसके अंदर फिर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और इसके बाद हमें इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स करना है सारे कॉर्नफ्लोर और मैदे में, कि
के लिए डिनर के लिए है, तो इसलिए मैं इसको डिनर में बना रही हूँ। और मैंने इसको सुबह जो है फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट कर कर। देखिए से हो गया है। अब आपने जो है क्या करना है, जो है चिकन लेनी है। देखिए इसको आपने इस तरह से इसके अंदर कोट करना है, कॉर्नफ्लावर और मैदे के अंदर इसको आपने अच्छी तरह से कोट कर लेना है मैदे और कॉर्नफ्लावर के अंदर। और इसको इस तरह से प्लेट्स में रखते जाएंगे और कम होगा तो हम और डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से जो है मैं सारी कर लेती हूँ। एक एक चिकन जो है अच्छी तरह से कोट करना है आपको, ताकि ये जो है अच्छी तरह से क्रिस्पी सी हो जाए। मैं सारी करती हूँ। और फिर सबसे पहले आपने चिकन लेनी है, मैरिनेट करना है, फिर इसके अंदर आपको डिप करना है, फिर प्लेट्स में रखना है बिल्कुल अच्छी तरह से, कोई भी इसकी जो है प्लेस रह ना जाए वरना क्रिस्पी नहीं होगी ये। ठीक है, ये देखिए गाइस मैंने सारी चिकन को अच्छी तरह से मैदा और कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून ऑफ मैदा 3 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छी तरह से मैंने इनको कर लिया है। और ये जिनकी कुछ जगह कुछ कुछ नज़र आ रही है इसको आपने एक और दफ़ा इसके अंदर करना है, ताकि दोबारा एक और दफ़ा अच्छी तरह से कवर्ड हो जाए। और जो थोड़ा सा बच रहा है इससे तो हम जो है कवर कर लेंगे इस तरह से थोड़ा सा लेकर। ये देखिए और एक और दफ़े इस तरह भी आप कर सकते हैं, और जो है इसको एक और दफ़ा भी इसके अंदर डिप कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है गाइस, अब मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। हमें इसको करना है फ्राई, करते हैं। देखिए गाइस मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया, हॉट होने के लिए रख दिया बिल्कुल लो फ्लेम पर। और ये जो है 2-3 मिनट से मैंने रख दिया था और ये अब हो गया। तो देखिए मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा जो बच गया था मैंने इसके ऊपर डाल दिया। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह ये कवर हो चुकी है। इसमें सॉरी मैं इससे ज़्यादा छुट गई थी, मेरे हाथ से स्लिप हो गई थी, वरना आपने आराम से डालनी है वरना छींटे उड़ेंगी, मेरे हाथ से स्लिप हो गई थी। ठीक है, इस तरह से आराम आराम से सारी डालते जाएँ। ये देखिए इस तरह से मैं सारी डाल देती हूँ, कुछ बन गई हैं बिल्कुल। ये देखिए कितनी क्रिस्पी लग रही हैं गाइस। इसको जो हम साइड चेंज कर रहे होते हैं तभी पता चल रहा होता है कि गर्म है हॉट है, कितनी क्रिस्पी हैं। ये देखिए, ये देखिए बहुत गर्म गर्म ऐसा सर्व करें डिनर में, बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी लग रही हैं ये देखिए। और जो बाकी हैं वो यहाँ बन रही हैं और कुछ जो है मैंने आपको दिखा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।